दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 242 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा ट्रेलर शुरू होते ही हम सबसे पहले देखते हैं हाउशन सेक्ट और टैंग सेक्ट के चारों क्लैन को, जहां पर ये दोनों क्लैन्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि टैंग सेक्ट के लोगों को हाउशन सेक्ट के लोगों की नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस वजह से ये दोनों क्लैन्स आपस में लड़ने लगते हैं। और इस सीन में टांगशियो यांग वुडी को समझाते हुए कहते हैं कि उन सभी पुरानी बातों को भूल जाइए, उस समय उन्हें जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हाउशन सेक्ट निश्चित रूप से करेगा। टांगशियो की बात सुनकर यांग वुडी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्पेयर को सीधा टांगहाओ के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि 20 साल पहले जब टांगहाओ ने क्वीन दिलू की बेटे को पीट कर उसे घायल कर दिया था और फिर कुछ समय बाद वह मारा गया था, तब हुहन एम्पायर के एल्डर्स टांगहाओ से बदला लेने के लिए हाउशन सेक्ट में आकर घुसे थे और इस वजह से टांगहाओ को गद्दार घोषित करके हाउशन सेक्ट से बाहर निकाल दिया था। और साथ ही हाउशन सेक्ट ने चारों सपोर्टिंग क्लैन को भी हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया था। हाउशन सेक्ट के साथ छोड़ते ही हुहन एम्पायर ने चारों सपोर्टिंग क्लैन को बहुत ज्यादा परेशान किया था और इस जंग में यांग वुडी के भाई की मौत हो गई थी, जिस वजह से यांग वुडी हाउशन सेक्ट को इसका दोषी मानता है, जिसके साथ ही यांग वुडी अपनी भाई की मौत को याद करके बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से से टांगहाओ से कहता है, क्या आप मेरे भाई की मौत का भरपाई कर सकते हैं? ऐसा कहकर यांग वुडी गुस्से में अपने स्पेयर को टांगहाओ के ऊपर चला देता है। तभी उसी वक्त टेंशन वहां पर पहुंच जाता है और टांगहाओ पर लगने वाला स्पेयर को अपने सीने में ले लेता है और यांग वुडी को समझाते हुए कहता है, तो अगर आप नफरत करना ही चाहते हैं तो फिर आप मुझसे नफरत कीजिए, मेरी फादर से नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं टेंशन के सीने से ब्लड नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर टैंक्सक्लन के बाकी एल्डर्स यांग वुडी को पीछे हटाने का कोशिश करते हैं और उनको शांत कराते हुए कहते हैं कि वो खुद को संभाले और ठीक से काम ले, क्योंकि गुस्से में आकर कोई गलत काम ना उठाए। वही दूसरी तरफ टेंशन घायल होने के बावजूद भी यांग वुडी को ठीक से समझाने लगता है। वही यह सब देख कर टांगहाओ खुद को इन सब के लिए दोषी मानने लगता है। इसके बाद हमारे सीन चेंज होकर क्वीन रेंगसू पर आ जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं अब क्वीन रेंगसू का 9th टेस्ट शुरू हो चुकी है और वो एक गहरी काले रंग के जगह पर पहुँच चुकी है, जहाँ पर चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है और दूर कहीं कहीं पे कुछ तारे चमक रहे होते हैं। और इस जगह पे जैसे जैसे क्वीन रेंगसू आगे जा रही है, बस वहीं पर उसे रोशनी दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए क्वीन रेंगसू को ऐसा फील होने लगता है कि इस जगह पर कुछ भी नहीं है और वो एक बिल्कुल भी खाली जगह पर पहुंच चुकी है। क्वीन रेंगसू को एंजल गॉड की सिर्फ एक ही बात याद आ रही होती है, जो कि एंजल गॉड ने क्वीन दिलू से कही थी। एंजल गॉड ने क्वीन दिलू से कहा था कि क्वीन रेंगसू को अपनी 9th टेस्ट को पूरा करने के लिए उसकी मन के 3 कमियों को जितना होगा, पर वो 3 कमियां कौन है इसके बारे में क्वीन रेंगसू को भी नहीं पता। अब ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें जिवू बाकी के श्रेक डेविल्स के टीम को दिखाया जाता है और इस वक्त जिवू टेंशन के सी गॉड बनने में आने वाली मुश्किलों के बारे सोच रही होती है। टेंशन ने पहले ही मन बना लिया दिया था कि वह इस लड़ाई को जीतने के लिए बाकी 2 बचे ट्रेल कंप्लीट करेगा, इसलिए जिवू भी मन ही मन ठान लेती है कि वो टेंशन को हर हाल में सपोर्ट करेगी और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करेगी। ट्रेलर की इस सीन में ऑस्कर किसी को बाय बाय करता दिखाई पड़ता है, यानी कि शायद टेंशन अपनी हाउशन हैमर में सोल रिंग को ऐड करने के लिए स्टार डू फॉरेस्ट निकल चुका है। और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर यही पर कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।